राधे राधे दोस्तों, फिर से नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं सिट जुली ब्लॉग, और आज दोस्तों आज के ब्लॉग में आपको बता रहा हूँ कि बिहारी स्टाइल में लिट्टी और चोखा कैसे बनाएं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आज आपको दिखाऊंगा लिट्टी चोखा, वो भी कंडे पर यानी गोईठे पर कैसे बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये बैगन है इधर जो कि भरता में काम आएगा, ये प्याज और ये हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग पर और देखते रहिए आगे आगे हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे। दोस्तों अभी लिट्टी के लिए प्याज काट लेते हैं। प्याज थोड़ा सा ज्यादा ही ले लिए क्योंकि चोखा में भी ये पड़ेगा, इसलिए काट लेंगे ताकि हमारा लिट्टी जो है जल्दी बन भी जाए। तो ये जो देख रहे हैं आप लिट्टी, मुश्किल से आधा से एक घंटा में बनने वाला ये आइटम है। आधे से एक घंटे में करीबन 4 से 5 लोगों के लिए लिट्टी बनके तैयार हो जाएगा, वो भी पूरा देसी स्टाइल में यानी बिहारी स्टाइल में। आप लोग जानते ही होंगे कि बिहार का लिट्टी और चोखा बहुत ही फेमस है, तो बिहारी स्टाइल में ही लिट्टी और चोखा बनाते हैं आज। तो आप लोग भी सीखिए हमारे साथ, अगर आप लोग को बनाने नहीं आता हो तो लिट्टी और चोखा कैसे बनाते हैं बिहारी स्टाइल में वो सीखिए, और अपने घर में भी एक बार जरूर ट्राई करें। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम लोगों ने प्याज कुछ यहाँ पर काट लिया है। ये जो प्याज है थोड़ा अधिक मात्रा में लिया गया है क्योंकि ये जो प्याज है वो भरता में भी उपयोग आने वाला है, तो इसलिए अभी देख सकते हैं दो दो इसमें पीस कर लिया हूँ प्याज का। ये देखिए दो दो पीस कर लिया, और इसको आप छील कर उसके बाद धोकर उसके बाद मैं काटूंगा इसको। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी हमने ये महीन महीन प्याज काट लिया है, और इधर आप देखिएगा तो थोड़ा सा लहसुन ले लिया है और हरी मिर्च, क्योंकि इसमें लाल मिर्च का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरी ओर इधर देखेंगे चोखा के लिए, तो बैंगन को ये 4 पीस में काट लिया है, 4 पीस में, क्योंकि इसमें कीड़ा भी हो सकता है, इसलिए 4 पीस में काटने से हमें पता चल जाता है कि इसमें कीड़ा है कि नहीं है। और ये देखिए इधर सभी बैंगन को लगभग लगभग काट लिया है। तो चलिए आगे दिखाते हैं और क्या क्या करना है इसमें। और दूसरी ओर देखेंगे दोस्तों, तो ये 3 टमाटर मैंने ले लिया है, और 3 टमाटर को भी अच्छे से धो के और इसको भी पकाएंगे आग पर ही। ये जितना भी चीज़ आप देख रहे हैं सब बैंगन को और टमाटर को आग पर पकाकर ही बनाएंगे। तो आगे चलिए दिखाते हैं और क्या क्या करते हैं। ये देख सकते हैं सत्तू का दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने सत्तू पहले ही पिसा के रखा है, वो भी चने का सत्तू है जो कि घर का सत्तू है ये पिसा हुआ। और ये एक बड़ा सा भगोना ले लिया है जिसमें आटा भी मढ़ सकते हैं और सत्तू भी बनाएंगे। तो कैसे सत्तू का मटेरियल बनाएंगे देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, घर का पिसा हुआ सत्तू, थोड़ा सा अधिक मात्रा में ले रहे क्योंकि हम लोग कल भी इसको खाने वाले हैं इस लिट्टी को, इसलिए ज्यादा बनाएंगे थोड़ा। तो पहले सत्तू ले लेते हैं अपने हिसाब से, जितना आपको सत्तू लेना हो। और फिर इस सत्तू में जो कटी हुई प्याज थी महीन महीन, वो कटा हुआ प्याज इसमें डालेंगे। प्याज को थोड़ा सा मैश करते हुए डालेंगे ताकि प्याज सब अलग अलग हो जाए। फिर उसके बाद हम जो इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा मंगरेला और जमाइन डालेंगे, और मंगरेला जमाइन को थोड़ा सा हाथ में रगड़ लेंगे ताकि इसका जो है सुगंध निकल कर आए बाहर। रगड़ लेने से थोड़ा डस्ट भी हट जाता है और सुगंध भी अच्छा आता है इसका। तो थोड़ा सा ही इसमें लेना है अपने, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी भर कह सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें सरसों का तेल डालेंगे थोड़ा सा, और कटी हुई मिर्च, और फिर इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे, और उसके बाद अंतिम में थोड़ा पानी लेकर इसको हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा और पानी लेकर फिर इसको हल्का हल्का पानी लेकर मिक्स कर रहे हैं। फिर जो लहसुन था हमारे पास वो लहसुन को काट काट के डाल दिए इसमें। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी हमने आटा ले लिया है लिट्टी के लिए, अभी इसको माड़ेंगे कड़ा, उसके बाद जो है इसको मारते हुए आपको दिखाएंगे। कड़ा मारना है क्योंकि कड़ा आटा लिट्टी में चलता है। दोस्तों आटा मड़ रहा हूँ मैं अभी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में,
क्योंकि आज वाइफ को बिल्कुल आराम दे दिया हूँ, ये टीच कर रही है इसलिए आज इसको आराम करने के लिए दे दी। तो देखिए दोस्तों, ये आटा मैंने गुथ लिया है और ये बिल्कुल कड़ा आटा गुथा है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक उधर कंडा जो है गोईठा जला लेंगे, गोईठा जला लेंगे उस उधर बस। दोस्तों 10 मिनट के बाद आटा को जो है इसका लोहिया काट लेंगे, बड़ा बड़ा चाहे जैसा भी आप साइज में बनाना चाहे वैसा इसका लोहिया काट लेंगे। मेरे यहाँ चार साढ़ है, साढ़ों के लिए बन रहा है लिट्टी। खाए आप नहीं खाइएगा, खाली साढ़े खाएगा। साढ़ तो असली साढ़ आप ही हैं, हम लोग तो गाय हैं। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा लोई इसका काट लेते हैं अभी, इतना बड़ा बड़ा लोई काट के रखते हैं अभी। आज के अंदाज से ही काट रहा हूँ अभी, आज मैं उपवास की हूँ ना, तो मेरे आदमी बना रहे हैं भोजन। बहुत बड़ा बड़ा सबर करो थोड़ा, क्योंकि बड़ा बड़ा लिट्टी बना रहा हूँ इसलिए बड़ा लोई काटा हूँ। आप अपने अनुसार बना सकते हैं जैसा आपको खाना हो। तो चलिए अब इसको भरने का प्रक्रिया जो वो आपको दिखाता हूँ कैसे भरा जाता है। ये देखिए सत्तू जो बना के पहले से रख रखे हैं, ये सत्तू ले लिए अभी और इसको बढ़िया से हाथ में मल के अच्छी तरीके से इस तरीके से करके इसको हाथ में जो है नीचे देखा, अब इधर का देखा, इधर सब हटाओ, इधर का देखा। ये देखिए हमारा सत्तू है पहले से जो बना के रखे थे सत्तू, और उसके बाद ये जो आटा है इधर आटा को इस तरीके से गोल गोल कर लेना है। अगर आपको नहीं आता हो तो थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। ये देखिए हमारा कटोरा जैसा बन गया, अब इसके अंदर इसको भरेंगे सत्तू को। ये देख सकते हैं सत्तू इसमें भरा गया है, अब इसको बंद करेंगे इसका मुंह, एक हाथ अंगूठा के सहारे और दूसरे हाथ से इसको मढ़ते जाएंगे। ये देखिए अंगूठा के सहारे सो किस तरीके से मढ़ना है इसको, फिर ऊपर की ओर जब ये आ जाएगा तो इसको दाबते रहना है, दाबते रहना है, दाबते दाबते फिर इसको गोल ऐसे घुमा देंगे। अब ये जो है हमारा देखिए गोला बन गया है, इसको बढ़िया से मिला लेंगे ऊपर ऊपर। तो गोला बनने के बाद ये फटे नहीं आग पर जाने के बाद, अच्छे तरीके से रहे। ये देखिए एक लिट्टी हमारा तैयार है अभी, इसको अब आग पर सेकना बाकी रह गया। तब तक रखते हैं इसको इधर, देखा कैसे बना। दोस्तों लिट्टी का जो है गोला बन के तैयार हो चुका है लिट्टी का, अब इसको आग पर सेकेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो पर और देखिए कैसे आग पर इसको सेकते हैं। उसके लिए पहले हम लोग गोईठा को जला लेंगे। बाद में बोलिए ठीक। और पनिया रहता था ना, इतने गोईठा लाए हैं, आओ पनिया ले आइए, इतना मना होगा अटो बोले थे। आग पर तैयार हो चुका है, अब आग पर जो तैयार हुआ है ये फट फट गया था सब, तब हम लोग उतार लिए हैं यहाँ पर। अब इसको
गमछा में रखकर या किसी भी कपड़े में रखकर इसको थोड़ा सा इसका जो जला हुआ पार्ट है, जो काला टाइप का पार्ट है, उसको साफ करेंगे इस तरीके से। देखिए अब चलिए इसको किसी बर्तन पर निकालते हैं। तो ये देख सकते हैं पार्ट बिल्कुल, ये लिट्टी जो है बिल्कुल तैयार हो चुका और साफ हो चुका है। तो इसको झार झार के अब इस तरीके से इधर निकालेंगे। ये देखिए इधर मेरा लिट्टी जो है इधर साफ साफ निकल गया। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये देखिए हमारा चोखा भी इधर थोड़ा सा इसमें बैगन जो पकाए थे आग पर, बैगन और टमाटर इसमें डाल दिए हैं और सरसों तेल थोड़ा डाल दिए। फिर इसमें थोड़ा सा हम लहसुन डालेंगे और मिर्च डालेंगे और फिर प्याज डालेंगे। तो टेस्ट के अनुसार आप प्याज डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा डाल सकते हैं। नमक डाला इसमें? नहीं, स्वाद अनुसार इसमें फिर नमक डालेंगे। देखिए और इसको बढ़िया से चोखा को जो है स्मैश कर लेंगे, पूरा स्मैश देंगे इसको। हमारा लिट्टी और चोखा तैयार हो चुका है और खाने के लिए भी प्लेट में हम लोगों ने निकाल लिया है। आप अपना इच्छा अनुसार इसमें घी लगा सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा लिट्टी और चोखा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अभी हम लिट्टी पार्टी कर रहे हैं, हमारी नानी जो है लिट्टी खा रही। कैसा लग रहा है नानी लिट्टी खाने में? बहुत अच्छा लग रहा है। हम बनाए आज लिट्टी, अच्छा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगा लिट्टी जी?